दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि अब कहानी अपने असल मोड पर आ चुकी है। क्योंकि देखो यार, जिस कहानी में हीरो और हीरोइन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना होना, उसमें लव स्टोरी की शुरुआत पॉसिबल ही नहीं है। और हर लव स्टोरी की शुरुआत मिसअंडरस्टैंडिंग से ही होती है जब बात होती है इंडियन टेलीविजन की। आप देखो, सीरियल गुम है किसी के प्यार में फिलहाल तो लेटेस्ट टीआरपी लिस्ट में कहीं पर 2 नंबर पर, तो कहीं पर 1 नंबर है, क्योंकि कोई इंप्रेशन के हिसाब से मानता है तो कोई अलग चीज के हिसाब से मानता है। हालांकि ऑल ओवर आप गुम है किसी के प्यार में को सेकंड पोजीशन पर ही मान के चलिए, क्योंकि कई मायनों में अनुपमा अभी भी गुम है किसी के प्यार में से आगे है। लेकिन अगले सप्ताह की जो टीआरपी है वो सीरियल के मेकर्स के लिए असल आईना होगा, क्योंकि वो जो टीआरपी आएगी वो होगी रजत और सवि की कहानी की टीआरपी। क्योंकि जो लेटेस्ट टीआरपी लिस्ट अभी आई है ना, वो तो हमारे ईशान की बदौलत है। और ईशान को लास्ट मोमेंट पर हम लोग कितना तरस रहे थे देखने के लिए, कितना ज्यादा हम ईशान को प्यार कर रहे थे, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एंड इसी रीजन के साथ टीआरपी दमदार मिली। एंड सीरियल के मेकर्स को लगा होगा लग गई हमारे सेकंड से थर्ड सीजन की पीपार, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला चार्ट आने तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं टीआरपी में बड़ा फर्क आएगा। अब यहां पर देखो, कहानी में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सवि और ईशा मैम और रजत के बीच में जो है एक अच्छी खासी बहस आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादा हेटेड आर्ग्यूमेंट नहीं होने वाला है, बट यहाँ पर रजत कई सारी ऐसी बातें बोल जाएगा जो कि आत्मसम्मान पर ठेस होगा सभी के, और खासकर ईशा मैम की भी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण ईशा मैम है। ईशा मैम ने एक प्रोफेसर होकर भी ऐसे काम कर दिए हैं जो कि उनसे एक्सपेक्टेड नहीं थे। किसी के ऑफिस में जाकर जासूसी करना, अपनी बेटी को चुप चुप कर देखना और उसके बाद गॉसिप करना अपने जानकार के साथ, वो भी इतनी तेज की बाहर तक कोई सुन ले, ये सारी गलतियां ईशा मैम की नजर आती है। बट उन्हें भी माफ है, क्योंकि एक मां का दिल उनके पास है और वो सभी के लिए ये सब कर रही हैं। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर जब देखने वाली है रजत की मां की, यहां पर ये तो उनसे बात कर रहा है भोसले परिवार से, तो रजत की माँ आकर जो है वो रजत को ज्ञान देने वाली है कि रजत तू आखिरकार उनसे कांटेक्ट में क्यों है, खासकर तू उस लड़ाकू औरत से तो दूर ही रहना और उसकी बेटी से भी दूर रहना, उसकी बहू से भी दूर रहना, और उनके आसपास तेरे को रहने की जरूरत नहीं है, उनसे बिल्कुल बहस मत करना। अब ईशा मैम को आने वाले एपिसोड में पहली बार पता चलेगा कि ये रजत कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर मिसेस ठक्कर का ही बेटा है, और यही उनके लिए बड़ा शॉकिंग होगा। यहाँ पर सभी जो है ईशा मैम के ऊपर गुस्सा करने की बजाय इमोशनल होने वाली है, उनसे बात करने वाली है कि आई आप ऐसा क्यों कर रही हैं, मैं आपको पहले भी कह चुकी थी कि रजत और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ सिचुएशन की डिमांड थी, वो सिर्फ मेरे स्टूडेंट के एक पिता हैं और बच्ची जो है सही, उसको वाकई में उनकी अटेंशन की जरूरत है, इसीलिए मैं उनसे मिलने गई थी। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने वाली है, तो दूसरी तरफ जो सवी की जो बहन दिखाई गई है, जो पता नहीं कहाँ से आई है, बस बहन दिखाई गई है जो कहानी में फिलहाल आपको नजर आ रही है, वो भी यहाँ पर जो रजत का मित्र है उससे बात करने वाली है। यानी कि रजत और सवि को मतलब पता चलने वाला है कि अभी तक तो कहानी शुरू हमारी हुई भी नहीं थी, बातचीत भी ठीक ढंग से नहीं हुई थी, पर लोगों ने कहाँ तक बातचीत रिश्तों तक पहुँचा दी है उन्हें ये बात पता चलेगी। क्योंकि एक तरफ ईशा मैम सिचुएशन वैसे ही क्रिएट कर चुकी हैं कि भाई दोनों के बीच में रिश्ते की तैयारियाँ चल रही हैं, लोगों को जो है दूर दूर तक इनविटेशन बांटे गए हैं कि हाँ भाई शादी फिक्स हो सकती है, तैयार रहना आने के लिए। अब दूसरी तरफ इतने बड़े कंपनी के सीईओ का भाई जैसा मित्र जैसा असिस्टेंट यहाँ पर सभी की मुंह बोली बहन को बता देने वाला है कि चलो दोनों को मिला देते हैं। एंड उधर से भी जब उन्हें पता चलने वाला है कि ये भी उसी शख्स की बात कर रहे हैं, यानी कि सभी की बात कर रहे हैं, तब दोनों सर पकड़कर बैठ जाएंगे कि इतनी कहानी तो हमारे बीच में इतनी बातें नहीं हुई जितने लोगों ने जो है अनुमान लगा लिया हम दोनों के रिश्ते के। अब इन सब चीज़ों के बाद देखो यहाँ पर जो रजत है, मेरे मुँह से अभी भी देखो लीड एक्टर की बात होती है जब रजत की जगह पर ईशान ही मुँह से निकलता है, जबकि रजत मेरा खुद का नाम भी है, इसके बावजूद मेरे मुँह से नाम जो है वो ईशान ही निकलता है जब मैं बात सभी की करता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं पर देखो आज भी ईशान से ऑडियंस बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, कमेंट सेक्शन में भी पता चलता है मुझे, ज़्यादा कमेंट जो है वो अभी भी ईशान को लेकर हैं कि प्लीज़ उन्हें वापस लेकर आ जाओ। एंड इससे जुड़ी एक अपडेट भी है, मैं आपको आगे बताता हूँ इस चीज़ को लेकर। पर
यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि रजत का किरदार जो है इन सारी चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद एक बार फिर से गिल्ट में जाने वाला है। वो इस चीज को लेकर जब उसे पता चलने वाला है कि सभी का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बल्कि सभी की आई को जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसी कारण उन्होंने उनको लगा कि हमारे बीच में कोई रिश्ता है और उन्होंने बातें बनाना शुरू कर दी। अब उसके बाद रजत का फिर से इमोशनल अटैचमेंट जो है वो सभी से होने वाला है। देन जाकर यहाँ पर जो एक्ट्रेस है नई, उनकी एंट्री होने वाली है। ऐसे में यहाँ पर फिर कस्टडी की रिमांड होगी। देन यहाँ पर एक समझौते के तहत दोनों की शादी होते हुए आपको नजर आएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग ईशान के बारे में। मैं आपको बता रहा था कि कुछ अपडेट है इसके बारे में, तो आप लोगों ने जो है काफ़ी सारे एक वीडियो के लिंक शेयर किए जहाँ पर जो है वीडियो के थंबनेल पर लिखा गया था कि सीरियल के प्रोड्यूसर ने जो है ईशान को जो है यानी कि शक्ति अरोरा का जो है एक लेटर लिखा है एंड उस टाइप का वो वीडियो बना रखा था जिसको देखकर लग रहा था कि उन्होंने वापस जो है शक्ति अरोरा को अप्रोच किया है सीरियल के लिए, उन्हें वापस कहानी में बुलाया है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शक्ति अरोरा परमानेंटली यहाँ पर क्विट कर चुके हैं गुमे किसी के प्यार में को। उनके आने की उम्मीद लगाना अब यहाँ पर जो है बेफालतू की उम्मीद लगाना ही होगा, मैं आपको सीधे शब्दों में बता देता हूँ। बात रही उस लेटर की, तो उन्होंने केवल शक्ति अरोरा को नहीं बल्कि जो भी स्टारकास्ट सीरियल में मौजूद थी जिनको सीजन 3 के पहले जो है हटा दिया गया, कहानी से रिमूव कर दिया गया यानी कि सीजन 2 की स्टार कास्ट, उन सभी को जो है थैंक यू लेटर सीरियल के मेकर्स ने प्रोडक्शन की तरफ से लिखा था और वही लेटर की बात हुई थी। इसके अलावा कोई वापस बुलाने का लेटर, कोई फिर से वापस आने का लेटर नहीं दिया गया, ना ही ऑफर उन्हें किया गया है। सीरियल के मेकर्स अच्छी खासी तो नहीं कहूँगा, खैर उनके हिसाब से अच्छी खासी है तभी तो यूज़ कर रहे हैं, अब उनके दिमाग की अच्छी खासी स्टोरी लाइन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो कि फिलहाल हमारे लिए बोरियत बन चुकी है। अब आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताकर जाना। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।